गाइस, इसके व्लॉग से तुम्हें समझ में आएगा कि ट्रैवल कैसे नहीं करते हैं। सो दिस व्लॉग इज फॉर दैट। ट्रैवल कैसे नहीं करते हैं बोंदू, हमारे कुछ काम के नहीं है। यार मैंने कपड़े तो ऐसे बिखे जैसे पता ही नहीं हो, मतलब किसका घर है ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। अगर मेरी माँ ने ऐसा देख लिया ना, मेरे को जान से मार देगी। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ कुछ कपड़े रैंडमली थोड़े से ऐसे ही पैक करके देखे कि भाई कितनी जगह लेने वाला है, और मुझे इतना कुछ अभी तक इस बैग में ठूसना है। और तुम देख रहे हो कुछ स्पेस नहीं बची है, हार्डली मेरे आधे हाथ जितनी स्पेस बची हुई है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, आई स्टिल हैव टू फिगर आउट माय मेकअप एंड स्टफ एज वेल। These are such cool shoes. So these I got from Decathlon. Must है यार ये, एकदम थोड़े से expensive है। So until unless you're not doing any sports activity like proper skiing course कर रही हूँ मैं, इसीलिए मैं ये लेके जा रही हूँ। So सबसे पहले इन सबको ठूसने की कोशिश करते हैं। आओ बताओ मैं तुम्हें कैसे ठूसा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पूरा पाइल तुम्हें दिख रहा है, इतना ये पूरा का पूरा इस बैग में जाने वाला है। अब हम देखेंगे इतने से कितना स्पेस होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। वन इटर्निटी लेटर। सीधा हाइट डिफरेंस होगी, हाइट से ही पता चल जाएगा कि पहले ये इतना ऊपर तक था एंड आई वाज शटिंग दिस एंड नाउ लुक एट दिस। दिस इज हाउ यू सेव स्पेस। एंड माई पैकिंग इज फाइनली डन। भाई 3:30 बज रहे रात के, मतलब अभी सिर्फ आधे घंटे में मेरे को निकलना था और मैं सोई ही नहीं हूँ। सुबह बिना सोए जाने वाली हूँ। दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम जो मैं बिना सोए जाने वाली हूँ। दिमाग की शॉर्ट हो चुकी है। इट्स टाइम टू वे माई बैग। आओ तो मैं दिखाऊ 15 दिन का बैग। ठीक है, 1 kg का ओवर वेट चलता है। सिमरत को इतना बोला था एक्स्ट्रा बैगेज मत करना, फिर भी सिमरत ने पूरा 4 kg एक्स्ट्रा किया। दिस इज हाउ वी आर ट्रैवलिंग नाउ। 1, 2, 3 जैकेट्स। कहा था ना मैंने, एक से बढ़कर एक है हमारे दोस्त। हां, दैट्स हाउ यू ट्रैवल टू सिंगापुर। दिस इज बेटर देन योर बाथटब। व्हाट माय बाथटब? ओ देयर इज अ बाथटब विद दैट इज रियली अ बाथटब विद। हद है भाई, एयरपोर्ट पे गए ना तो तुम यहाँ ना सकते हो। क्या अभी से ही सॉक्स? हाय रिया, अ थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रिप। क्वाइट इम्पल्सिव ट्रिप है ये रिया के लिए। रिया को 2 दिन पहले पूछा गया है, रिया इज लाइक ये। हाँ मैं ये देखो, ऐसे होते क्रिएटर्स भूल जाते हैं, याद दिलाना पड़ता है। मुंह उठा के इतने थर्मल पहन तो लिए हमने, अब जोरदार गर्मी लग रही है। ऐसा दिमाग का शॉट हो रहा है ना। आई एम श्योर ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी वर्थ इट वंस वी लैंड, बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। बट फिलहाल क्या करें, मर जाए। ये मंदी आके 1 बजे आके एयरपोर्ट पे बैठ गए। 6 o'clock की फ्लाइट है, 1 o'clock आके बैठी है ये एयरपोर्ट पे। ऐसे भी लोग होते हैं, और हम हैं जो एग्जैक्ट चेक इन काउंटर बंद हुआ उसके बाद आए रिक्वेस्ट करके अंदर आने दिया हम। 2 types of people, straight, north and south. And we landed, and oh bhai saab, kya thandi lag rahi hai. Jacket. So humne literally hamare jacket aake sab pehen liye, socks wok sab dal diye bhai maine. सबसे बड़ी गलती की मैं शूज पहनना ही भूल गई। एक लकली मैंने कैरी कर लिया, एक मैं पहनना भूल गई लास्ट मिनट तक। बट एनी विच वेज, अरे भाई कुछ ज्यादा प्रिपेयर नहीं आई है। ग्लव सब बैग में ही लेके गई। इतनी ठंडी है ओ भाई साहब, मतलब इतना मोटा जैकेट पहना है मैंने, फिर भी ठंडी लग रही है। लकीली अच्छा हो गया पहले ही थर्मल वर्मल पहन लिया। कुछ भी हो जाए गाइज, प्लीज वेयर योर इनर्स पहले से, थर्मल सब पहले से, चाहे आधा एक घंटा गर्मी बर्दाश्त कर लेना, बट पहन कर ही आना। ये देखो, ये रेडी है।
want to start to the trip, dude. I forgot my one of my backpacks in the trolley itself, and abhi hum wapas aa rahe hain. Almost 20-25 kilometers aage aa gaye the, and then we're going back. Guys, इसके व्लॉग से तुम्हें समझ में आएगा कि ट्रैवल कैसे नहीं करते हैं. So this vlog is for that. ट्रैवल कैसे नहीं करते हैं. बोल दो हमारे कुछ काम के नहीं है. चप्पल पहन कर आई है. मैं सॉक्स पहन रही थी यार, मैं भूल गई थी सॉक्स पहनना. बॉम्बे से आई हो, चप्पल पहनी कश्मीर. हाँ सर, क्या आप भी बस आप भी बचे थे सर. तो मैं शूज पहनना भी भूल गई थी. प्लीज ऑडियंस क्लैपिंग फॉर सुमन. And this is a pack with me video, पता है? नंबर इनको कैसे मिला है? हाँ, मेरे को भी नहीं समझ रहा नंबर कैसे मिला. अंदर कुछ भी, अंदर कार्ड जब कार्ड पर नंबर लिखा है, सिर्फ नाम लिखा है. टिकट विकेट पे क्या पता, टिकट भी तो अंदर नहीं है, सब मेरे पास ही है. नंबर तो आप ही के पास चलते हैं ना. हाँ, क्या पता लोगों ने कैसे कांटेक्ट किया. बट व्हाटएवर, अच्छा हुआ जल्दी कर लिया. अगर थोड़ा और ज्यादा आगे निकल जाते ना, बहुत भारी पड़ता यार. टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स. वन आगे और टिकट. मिल गया मुझे मेरा बैग फाइनली. डूड, आई वॉज सो लकी. एक चीज तुम सब कर लो, अभी का अभी कर लो. सो आई हैड मेड अ स्मार्ट कार्ड ऑफ आधार कार्ड जिसपे नंबर होता है मेरा. मतलब यूजली आधार कार्ड पे नंबर नहीं होता है, तो वो कार्ड मेरे बैग में था. दैट इज हाउ दे कुड गिव मी अ कॉल एंड एवरीथिंग. एंड देवर ऑल चोल्टी लाइक, आपके आधार कार्ड पे नंबर कैसे हो सकता है, बाकी सब पे नहीं है. एवरी सिक्योरिटी वॉज आस्किंग मी 10 times. आई वॉज लाइक हाँ हाँ सर, वो कल एक कार्ड बनाया था एंड एवरीथिंग. सो वट हैव टू डू इज यू कैन जस्ट गो टू एनी यू नो स्टोर जहाँ पे वो आधार कार्ड का कार्ड बना के देते हैं. यू जस्ट टेल देम स्मार्ट कार्ड, 50 रुपये लेते हैं हार्डली. भाई 3-4 कॉपी बना दो, हर एक बैग में डाल दो, ताकि कभी भी कुछ मिसप्लेस हो तो कोई तुम्हें लोग कॉन्टैक्ट कर सके एंड हैज़ योर एंटायर डिटेल. सो यस, यू गॉट माई बैग. हियर वी आर नाउ एट सम कृष्णा भोजनालय वेज खाने के लिए, क्योंकि मेरे को आलू पराठा खाना है. यहाँ पे ठंडी जगह पर आने के बाद ना आलू पराठा ये सब खाने की इच्छा बहुत होती है. छोटी बच्ची हो क्या? हम हमेशा से लैंड होते ही गुलमर्ग जाने वाले थे, बट फिर सोचा यार श्रीनगर आए तो शिकारा राइड तो करके ही निकले. ठंडी कंबल सब ले लिया भाई, फिर भी इतनी ठंडी लग रही है. सो पहले दिन पे हम एयरपोर्ट से डायरेक्ट बिना चेंज किए हम अभी श्रीनगर में दाल लेक पे रुक गए. एंड दाल लेक पूरा मार्केट बसा दिया यार. मार्केट और उनके अंदर से दुकान इतने ज़्यादा बड़े होते हैं, इतने ज़्यादा बाहर से तो कुछ भी नहीं लगता है भाई. अंदर से बहुत फैलाया हुआ है इन्होंने अपना बिजनेस. लास्ट बार सर बोलेंगे मेरी तो यहाँ का है ना. अभी अभी हमारे साथ कुछ हुआ है, हमने कोशिश की है एक नंबर सर से लेने की, और सर ने इतने इंटरनेशनल तरीके में वो नंबर हमें कहा है. सर कृपया आप वो नंबर दोहराना चाहेंगे. 6006 गैस करें ये क्या है. 6006 सो इट इज 6006 एग्जैक्टली. क्या मौसम चेंज होता है. कुछ देर पहले रोड था और अब देखो सिर्फ स्नो ही स्नो है हर जगह. One eternity later. बहुत ही प्यारा होटल है यार ये तो. टेन टेन और ये हमारा रूम. भाई अंधेरे में तुम्हें कुछ दिखता नहीं रहा होगा, बट हियर वी आर सारी के सारे. क्या बाप स्नो हो रही है. सो दिस इज द प्लेस जहाँ से हमने अपनी स्कीज सारे इक्विपमेंट सब कुछ ले लिया ऑलरेडी मेजर करके प्रॉपरली कल के कोर्स के लिए. सो आई एम योर फॉर माई कोर्स विच इज़ गोइंग टू बी फॉर ऑलमोस्ट 6-7 days विच इज़ अ बिगिनर्स इन एंड इंटरमीडिएट कोर्स फॉर स्कीइंग. एंड उसके बाद देखेंगे कि और क्या क्या करना है, स्नो बोर्डिंग और वट एवर इट इज़. एंड विद दैट आई एम गोना बी डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, बट ओ माई गॉड आई एम सो एक्साइटेड फॉर द एंटायर स्कीइंग कोर्स, क्योंकि इतना सारा मतलब इतना वेट किया ना मैंने, 2 साल वेट किया स्की के कोर्स के लिए. एंड फाइनली आई एम सो हैप्पी भाई. I'm planning, nahin, I might not end the vlog here, I'll end the vlog maybe after reaching the hotel. But whatsoever guys, stay tuned and let's hope for the best. चश्मिश वाले लोगों को पानी स्नो. भाई बहुत मेहनत से चल के आए थे हम वहाँ से, स्कीज लिटरली उठा के चल के आए थे हम. और लकीली गाड़ी वाले भैया कोई मिल गए थे जो इन्हीं के दोस्त थे, एंड उन्होंने सबकी स्कीज ली
अकेली थी, वरना तो हमें को लगा इसको क्या हो गया, क्या बात कर रही है अकेले. दैट इज हाउ पीपल फील व्हेन यू आर लोनली. दैट इज एग्जैक्टली हाउ पीपल अराउंड यू फील. किससे बात कर रही है ये? तो हाँ, तो थोड़ा भारी हो गया था सीन. आगे हम मस्त आधा एक घंटा रेस्ट किए एंड नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर. डिनर के बाद फुल सीन सेट है सोने का. हमारा बेड इतना ज़्यादा गर्म है भाई साहब. तो यूजली जितने होटल्स में मैं रही हूँ ना, वहाँ पे कैसा होता है कि हीटर्स होते हैं साइड में, ठीक है, बट इस वाले में क्या है, बेड के नीचे ही हीटर है. मतलब कुछ तो लगाया पता नहीं, जैसे पूरा का पूरा बेड इतना वार्म है, वरना तो बेड को टच ही नहीं कर पाते क्योंकि बेड अपने आप में इतना ज़्यादा ठंडा होता है. लिटरली होटल में घुसने के बाद हम ऐसा लगता है शिट यार, अभी इस बेड पे कैसे बैठेंगे. बट यहाँ पे जन्नत है बॉस, सुखा के डायरेक्ट बस सोने वाले एंड देन इट्स द एंड ऑफ द डे. कल मिलेंगे एट दिस की, मजे आने वाले फुल.